परम सम्मानित मंच और यहाँ बैठे तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार रांची झारखंड से हूँ और मैं पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, सोशल मीडिया का वर्तमान प्रचलन युवा पीढ़ी के भविष्य को नकारात्मक दिशा दे रहा है। आज का सदी 21वीं सदी है, जिसे हम विकसित युग कहते हैं, जहाँ लोगों को सुबह उठकर अपने माता पिता का पैर छूना याद नहीं रहता, अपने मातृभूमि को प्रणाम करना याद नहीं रहता, लेकिन इतना जरूर याद रहता है कि अपने मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप खोल के मैसेज चेक कर ले। यह है हमारा विकसित युग, आज का युग। मेरे कुछ मित्रों ने आके कहा, गुजर गया वो जमाना जब जनता खबर के लिए समाचार पर निर्भर करती थी, अब तो लोगों को समाचार सोशल मीडिया के जरिए मिल जाता है। सही कहा आप लोगों ने, सोशल मीडिया लाभदायक है, इतनी लाभदायक है कि आज अभी अगर किसी के रास्ते में दुर्घटना हो जाए तो लोग उसे आसपास के अस्पताल नहीं पहुंचाते, पता है क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के उसकी तस्वीरें खींचते हैं ताकि फेसबुक और व्हाट्सएप में डाल सके। ये है सोशल मीडिया के फायदे। सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाह इतनी तेजी से फैलती है कि लोग उसे असलियत मानने लगते हैं और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, और विरोध के दौरान ना जाने कितनी गंदी गालियां और अश्लील बातें का प्रयोग करते हैं। अरे हमें तो इन अफवाहों से होने वाले नुकसान का अंदाजा भी नहीं है। कहीं की सूचना, कहीं का फोटो, कहीं इराक की फोटो को कश्मीर का बताकर लगा दिया जाता है और लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं राष्ट्र सेवा, लेकिन होता है इसका उल्टा। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म के वीडियो को काट कर जिसमें एक गुंडा एक औरत का साड़ी खींच रहा था, सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, और क्या लिख दिया गया, एक मुस्लिम युवक एक भारतीय औरत का साड़ी खींच रहा है, और जनता स्टार्ट हो गई अपना धर्म का प्रदर्शन करने में, मार डालो जो धर्म की इज्जत नहीं करता। अरे भाई पहले उसके तह तक तो जाओ, वो असलिया नहीं पहले वो तो देखो, लेकिन नहीं, ये तो एक बीमारी चला हुआ है ना लाइक और कमेंट करने का। यहाँ पे लोग को यह भी नहीं पता कि इन्हीं अफवाहों के कारण मुजफ्फरनगर और असम में भी दंगे हुए। अच्छा हम बात तो करते हैं युवा पीढ़ी की, चलिए तो युवा पीढ़ी की बात किया जाए। टूट जाए कभी हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तुक तो ताज नहीं मिलते हैं, ढूंढ लो अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यही हमारा युवा वर्ग, युवा नाम सुनते ही मन में एक उमंग और लहर पैदा उठती है। यही एक वो उम्र का दौर है जब उसका भविष्य तय करता है। पता है हमारे भारत को युवा वर्ग कहा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि भारत की 65% आबादी युवा पीढ़ी है। लेकिन आज हमारे युवा कर क्या रहे हैं? जहां पहले इनके हाथों में किताबें हुआ करती थी, आज इनके हाथों में मोबाइल फोन होता है। जहां ये पहले अब्दुल कलाम और रवींद्रनाथ टैगोर की जीवनी पढ़ा करते थे, आज वहां वो अपना सारा समय फेसबुक और व्हाट्सएप पे बर्बाद कर देते हैं। यही हमारा युवा वर्ग है। सोशल मीडिया युवा पीढ़ी को सर से लेकर पांव तक खोखला करते जा रही है, और यही नहीं, उन्हें दिन प्रतिदिन लक्ष्यहीन भी बनाती जा रही है। आज के हमारे युवा पीढ़ी को यह नहीं पता कि भारत का पहला उपग्रह किसने और कहां प्रारंभ किया था, लेकिन इतना पता है कि सोशल मीडिया पे कितने अभिनेता और कितने अभिनेत्रियां मौजूद हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उनके अपने शहर अपने राज्य से कितने लोगों ने IIT निकाला, लेकिन उन्हें यह पता है कि सोशल मीडिया में अभी कौन सा वीडियो प्रचलन है। उन्हें यह नहीं पता कि आए दिन किसान भारत में आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता है कि सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें लगाई कैसे जाती है और दूसरों की तस्वीरें चुराई कैसे जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया पे वर्गीकरण चला हुआ है ना, बीजेपी का अलग वर्ग, कांग्रेस का अलग वर्ग, और लोग लगे अपने अपने वर्ग को बेहतर साबित करने में और सोचते हैं इससे जनता का फायदा हो रहा है। नहीं, इससे फायदा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं का, माफ करिएगा, भ्रष्ट नेताओं का। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया का प्रयोग करके वो ऊंचाई हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मित्रों ने आगे कहा, अब तो सरकार ने डिजिटल इंडिया भी शुरुआत कर दी। हाँ भाई सही, सरकार ने शुरुआत की है, बनो डिजिटल बनो बेहतर, लेकिन सरकार ने तो ये नहीं ना कहा चलाओ फेसबुक बनो बेहतर, और वो कभी कहेगी भी नहीं, क्योंकि पता है सरकार को भी कि सोशल मीडिया से युवा पीढ़ी को केवल और केवल हानि है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 80% इंटरनेट का प्रयोग सोशल मीडिया के लिए होता है और 20% पढ़ाई के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर 80% सोशल मीडिया के बजाय पढ़ाई के लिए हो तो हमारी देश ज्यादा तरक्की करेगी? आए दिन हम सुनते हैं कि लड़की के चित्र पे लड़कों ने अभद्र टिप्पणियां कर दी। मैं मानता हूं लड़कियां उसे हटा सकती है, लेकिन वो पढ़ती तो है ना एक बार।
आप लोग कहते हैं कि फेसबुक और सही है, सोशल मीडिया से फायदे हैं। मैं पूछता हूं, आज अगर अभी कोई लड़की अपनी फेसबुक पे नंबर डाल दे तो उसे अभी भी कॉल आना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बैठे 90% में से लड़कियों में से 1% ने भी नंबर नहीं डाला, क्योंकि अंदर ये डर है कि उनका नंबर का गलत प्रयोग किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को होटल में लेके गया, आम बात है, सबकी रहती है, मेरी नहीं है खैर। तो वो देखा कि वो बैठी थी उसके साथ, लेकिन लगी हुई सोशल मीडिया में, तो उसने एक शायरी कह डाली, जिसे दर्द होते हैं वही सच्चा प्यार करते हैं। अब गौर फरमाइएगा हुजूर, जिसे दर्द होते हैं वही सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन आजकल दर्द की कहां गुंजाइश, लोग तो सोशल मीडिया पे मरते हैं। धन्यवाद।